मंत्री दीपक बिरुआ ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बजट महत्वपूर्ण होगा और इसमें सभी विभागों का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि गृह विभाग का मामला है और बिना सेंसेक्स कहीं बस शिगुफा छोड़ते रहते हैं। सभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है सरकार। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे और बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है इस अनुपूरक बजट में, हमारे साथ मंत्री हैं दीपक बिरुआ जी। मंत्री जी, क्या कौन कौन सी चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा? देखिए, आम जनता को ध्यान में रखते हुए और जो योजनाएं अभी ऑन गोइंग है उसको, उसमें कोई कमी नहीं हो, इसके लेकर के जो डिमांड है उसके आलोक में अनुपूरक बजट आएगी। अभी विपक्ष की जो तैयारी है, कल ही एक रणनीति तैयार की गई है, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा हो, 5 साल में किए गए कार्यों का, खुद लोग गृह विभाग संभाले हुए हैं और घुसपैठी का आरोप दूसरे पर लगाते हैं, तो उनको अपने आप में पहले समझना चाहिए घुसपैठी कैसे घुस जा रहे हैं। आप जब जिम्मेदारी लिए हैं तो आपके रिज्यूम में ज़्यादा लोग घुसपैठी कर रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोग्राफी का तो आंकड़ा पर ध्यान देना चाहिए, सेंसस जब जब हुआ है तो उनकी संख्या कितनी है इस पर भी तो लोग बात करें। ऐसे किसी मामले को लेके माना सिगुफा तैयार करना, ये कोई बड़ी बात नहीं, राजनीतिक मुद्दा देखिए ये बस सिगुफा बताया जा रहा है और सेंसेक्स पर बात करें यानी कि आंकड़ों पर बात करें। और अब देखना होगा कि आज का ये मॉनसून सत्र कैसा रहता है, विपक्ष और सत्ता पक्ष का रवैया किस तरीके का होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।